हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बैकग्राउंड में मैं आप मेरे ए स्टार को देख सकते हैं। तो ए स्टार का अगर आपने पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने वेल्फ्रॉनिक एग्जॉस्ट लगाया था, तो वो वेल्फ्रॉनिक एग्जॉस्ट लगाने के बाद साउंड एक्चुअली उतना नहीं आ रहा था जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मैंने करीबन 150 किलोमीटर चलाया है लेकिन मुझे वो एग्जॉस्ट वाला फीलिंग नहीं आया है। सो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं अभी जाके इसका रेजोनेटर डिलीट करवाऊंगा एंड आई होप उसके बाद साउंड बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि रेजोनेटर हम किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो मैं स्टार के नीचे पहुंच गया। ये आप एक सिलेंडर टाइप देख सकते हैं ना यहाँ पे, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रेजोनेटर। और वो लास्ट पे तो आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पे एग्जॉस्ट हमने लगाया था जो कि बोर्ला का है। तो इसे हम डिलीट करके इसको कंप्लीट स्ट्रेट पाइप करके हम इसे फ्री फ्लो कर देंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि साउंड इसका कैसा आता है। तो सबसे पहले मैं इसका जो नॉर्मल साउंड है विद द रेजोनेटर मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद वी विल गो टू द गैरेज एंड विल डिलीट द रेजोनेटर। फ्रेंड्स, तो दोस्तों देयर इज द साउंड विद द रेजोनेटर अभी। दोस्तों अभी हम जाएंगे गैरेज, गैरेज में जाके हम इसका रेजोनेटर डिलीट करके देखेंगे दोस्तों रिस्पॉन्स कैसा है। हम आ गए गाड़ी के नीचे, तो यहाँ से हमने रेजोनेटर डिलीट किया था, तो आप देख सकते हैं। एंड दिस इज द इन कैन जो बोर्ला का है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। एंड दिस इज द पाइप जो अंदर गई है। अगर आपने वीडियो मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो यू कैन सी दैट इनिशियल वीडियो। तो यहाँ से हमने रेजोनेटर डिलीट किया था। अब मैं आपको रेजोनेटर दिखाता हूँ। तो ये रही डिलीटेड रेजोनेटर, आप देख सकते हैं यहाँ से भी कटा हुआ है एंड इस तरफ से भी कटा हुआ है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि ये सिलिंड्रिकल शेप में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रनिंग की जो रिमोट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अभी सबसे पहले इग्निशन ऑन करके आपको ऑफ करके सबसे पहले दिखाऊंगा, देन आई विल शो यू द चेंज। तो अभी मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, जो मैंने ऑन कर दी है। अभी मैं ये दिस इज ऑफ, ओके, यहाँ पे आप देख सकते मैंने ऑफ किया है। अभी मैं एक्सीलरेट करता हूँ और आपको साउंड सुनाता हूँ। इसमें कोई भी लगेगा ही नहीं कि कुछ भी लगाया गया है। नाउ आई एम स्विचिंग इट ऑन, ओके, आई विल शो यू। ये मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर दी है। नाउ आई विल शो यू द चेंज। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द साउंड, चेंज हो गया है। अभी मैं फिर से ऑफ कर रहा हूँ, ओके, मैंने ऑफ कर दी है। अभी मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, यू हैव सीन द चेंज की रेजोनेटर के पहले कैसा साउंड आ रहा था और रेजोनेटर के बाद कैसी आ रही है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू पुट वेल्फ्रॉनिक एग्जॉस्ट, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लगा रहे हो तो यू हैव टू डिलीट द रेजोनेटर। अगर आप रेजोनेटर डिलीट नहीं करेंगे तो साउंड बहुत ही मार्जिनल आएगा, तो विच विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन रेजोनेटर लगाने के बाद द साउंड कम्प्लीटली चेंजेस एंड 3-4,000 RPM के बाद तो गाड़ी पागल ही हो जाती है। तो इसी के साथ वीडियो हम यही वी एंड दिस वीडियो हियर। एंड आई होप ये वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगी है। एंड चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ वी एंड दिस वीडियो हियर एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।